क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो आप सब जी मेरे शहजादे। तो जैसे कि टाइम हो चुका है आपके पास 3:45 का, और 3:45 पे आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का कर रहा हूँ। और अगेन जी मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो आ जाते हैं भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, एक्सेलरेशन का टॉपिक है जी। वालेकुम सलाम, जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए करें। 3:45 आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो मेरा बेटा कोशिश किया करें कि 3:45 पे आप क्लास में लाइव हो जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी जी शहजादो जी जी, जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाए जल्दी से। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। जी मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाए जल्दी से जी। लव यू टू मेरा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। चलो अभी शहजादो, तो हमें बात करनी है अभी आज एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। वो ऑप्शन आपके लिए नहीं तो आप इसको इग्नोर करें, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके थे, आज हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है। एक्सेलरेशन में आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है, जो आज के टॉपिक का कीवर्ड है, वो एक ही लफ्ज़ है जिसको हम चेंज कहते हैं, तब्दीली। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि आप ए से बी तक मूव कर रहे हो, ए से बी तक मूव करते हुए रास्ते में सपोज आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर पर आर पे जा रही है, फिर आप इसको 140 पे ले आते हो, कभी फिर आप उसको ले आते हो जी 80 पे, मतलब बार बार आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से। जब वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि आपके पास यहां पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सपोज जब आपने गाड़ी स्टार्ट की, उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। कुछ देर के बाद, कुछ टाइम गुजरने, टी गुजरने के बाद वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, तो उसको हम नाम देंगे बेटा फाइनल वेलोसिटी, उसको हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बोला कि आज के वर्ड का, आज के टॉपिक का जो कीवर्ड होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी, वो है चेंज। अगर चेंज है तो एक्सेलरेशन है, अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर चेंज है तो एक्सेलरेशन है, और अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। कैसे के मैंने कहा, सपोज वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, कुछ देर के बाद फर्स्ट करो आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड पे चली जाती है, तो वेलोसिटी में चेंज आया, तब्दीली आई, वो तब्दीली
ये भी हो सकती है कि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, या फिर आप 15 से 0 पे भी आ सकते हो या 0 से 15 पे जाओ, जो भी चेंज आए, चाहे वो चेंज आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है या चेंज आते हुए वेलोसिटी कम होती है, चेंज आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर चेंज आते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, दोनों केसेस में, दोनों सूरतों में क्या प्रोड्यूस होगा मेरा बेटा? एक्सेलरेशन। दोनों सूरतों में जो चीज प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूं, वो आपके पास आएगा बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब कुछ लोग हमेशा ही कहते हैं, सर ये नीचे टाइम क्यों आता है? भाई जब भी तब्दीली आएगी किसी भी चीज में, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो टाइम तो कांस्टेंट नहीं होता ना, टाइम तो बदलता रहता है। सो चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से जो तब्दीली आ रही है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देंगे। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। क्योंकि वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली को या वेलोसिटी में चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। हम नाम देते हैं बेटा एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी में चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, और द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो तब्दीली है टाइम के लिहाज से उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है टाइम के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड द वेरियस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको यह कहा कि इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, और एक्सेलरेशन को ए से, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। अब अगर मैं एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करूं तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा? तो उसका यूनिट निकालने का तरीका यह है, देखो जो फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी आंसर फिर भी वेलोसिटी में आएगा, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? ऊपर मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकेंड। अब एस की पावर नीचे प्लस वन है, जैसे ही मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं एस की पावर अगेन ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस वन। तो माइनस वन पहले भी मौजूद था, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा। बेटा पेज नंबर आपके पास 38 है, 38 पेज नंबर। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपने जब एक्सेलरेशन की बात करनी है आपको चेंज जहन में होगा। अगर चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, अगर आप अपनी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आर पे चला रहे हो तो कॉन्स्टेंटली इसी स्पीड के साथ मूव करते जाओ, 80 से ना तो वेलोसिटी कम हुई ना 80 से वेलोसिटी बढ़ी, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, इनिशियल और फाइनल का आंसर बिल्कुल सेम होगा, तो आंसर आपके पास जीरो होगा। इनिशियल का मतलब जब आपने स्टार्ट किया इब्तदाई तौर पर उसको हम इनिशियल कहते हैं, और फाइनल का मतलब जहां पे आपने एंड किया, खत्म किया, इख्तिताम किया, उसको हम एंड का नाम देते हैं। सो मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, इसका मतलब मैं जीरो पे था, कुछ देर के बाद मेरी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आर हो जाती है, तो वो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। जी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, ऑलरेडी रेस्ट पे है, तो उसके जरिए इस बात वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जब चेंज आएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब चेंज आएगा, अगर चलती हुई गाड़ी रुक जाती है तब भी चेंज आता है,
रुकी हुई गाड़ी चला रहे हैं तब भी चेंज आ रहा है, लेकिन सिर्फ अगर एक स्टेट में है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। फॉर्मूले के लिहाज से भी देखो, अगर वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी ओ दोनों जीरो जीरो हो तो आंसर फिर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सर फाइनल वेलोसिटी अगेन, जी हो गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है आखिर, आखिर में आने वाली वेलोसिटी। मेरी बहन, जब आपने गाड़ी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, आपने जीरो से स्टार्ट किया था या 20 से स्टार्ट किया था? अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 20 थी और अब जहां भी आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो, आपकी स्पीड है 40, इनिशियल आपकी 20 थी और अब आपकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, इसको फाइनल करेंगे वीएफ। आपने निकालना एक्सेलरेशन, तो वीएफ माइनस वीआई डिवाइडेड बाय टी, इतना चेंज होने में जो टाइम फर्स्ट करो आपको 10 सेकंड लगे। आप एक्सेलरेशन निकालेंगे वीएफ माइनस वीआई डिवाइडेड बाय टी से, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टी, टी कितना आ रहा है 10, सो 20/10 आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। एग्जांपल दिए सर, टाइम तो वीएफ और वीएफ में भी होता है, पर नीचे टाइम की जरूरत क्या है एक्सेलरेशन में? और अल्लाह के बंदे, जब वेलोसिटी में चेंज की बात करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करनी है ना, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली, जो स्पीड की आपने बात की थी वो डिस्टेंस में चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट में चेंज था, ये मेरी जान वेलोसिटी में चेंज है, स्पीड में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब भी कंपैरिजन करना हो कि कितने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने पैसों में मैंने ये कितनी चीजें ली, तो दो चीजों के दरमियान रेशो ली जाती है, और जब रेशो ली जाती है तो डिवीजन का साइन आता है। फैसल साहब, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है एक्सेलरेशन का टॉपिक, तो मेरा बेटा प्लीज थोड़ा सा खुद को तकलीफ दीजिएगा, क्लियर का जो वर्ड है वो आप लिख दें, कमेंट कर दें मुझे, और जो जो क्वेश्चन है मेरा बेटा पूछो। जी मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कमेंट्स मेरे सामने कर दीजिएगा प्लीज, शायद मुझे नजर नहीं आ रहे। यस, व्हाट इज अमेजिंग, दिमाग खराब करती होगी। क्लियर। और कमेंट्स शायद हाइड हुए पड़े थे, मेरे सामने नहीं आ रहे थे। सर एवरीथिंग 100% क्लियर, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। रिपीट के स्पेलिंग होते हैं REPEAT। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ मेरा बेटा, अगर वेलोसिटी में तब्दीली आती है गाड़ी चलाते हुए, अगर आपकी स्पीड चेंज होती है, उस चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। और वो जो एक्सेलरेशन होता है, अगर हम टाइम के लिहाज से देखें कि कितने टाइम में, कितनी देर के बाद जो वेलोसिटी में तब्दीली आई, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पर वर्ड बार बार बोला था कि आज के जो टॉपिक का मेन मकसद, मेन लाइन होगी वो चेंज है, अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, अगर चेंज है तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मेरा बेटा, ना तो मैंने पॉजिटिव बताया है, ना मैंने नेगेटिव बताया है, और ना ही मैंने यूनिफॉर्म की बात की है, फिलहाल एक्सेलरेशन की बात हुई है, तो मेरा बेटा ध्यान सिर्फ एक्सेलरेशन पे ही फिलहाल रखिएगा, जितना डाइजेस्ट आपसे पॉसिबल होता है मैं उतना ही आपको बताता हूं। सो अगर मैं ये सपोज करता हूं कि मैं अपने घर से निकला, मेरी गाड़ी रेस्ट पे थी, मैंने उसको स्टार्ट किया, रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट करो जीरो थी, कुछ देर के बाद मैं कहता हूं यार आधे घंटे बाद मैं केनाल रोड पे आ जाता हूं, मैं देखता हूं मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आर है, तो वो मेरी होगी फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में तब्दीली आई, जीरो से 80 तक आ गई, जीरो से 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 50 से 40 30 जो भी चेंज आए, उस चेंज को हम नाम दे देंगे एक्सेलरेशन का। फाइनल में से इनिशियल को, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को सबट्रैक्ट करके टी पे डिवाइड कर देंगे। और दूसरी बात, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन उसी वेलोसिटी में तब्दीली को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, तो वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जी फाइनल वेलोसिटी जो आपकी आखिरी वेलोसिटी होगी, जहां पे जाके आपने नोट करना है कि अब एक्सेलरेशन कितना है। अनिशियल आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट किस वेलोसिटी पे किया था, और जिस पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी क्या है। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेशन, विच इज ऑल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी।
जी मेरा बेटा, आप मुझे बता दें कि क्लियर हो गया जिन लोगों ने दोबारा क्वेश्चन किया था? बेटा फैसल साहब, अभी जितना करवाया कि ना, इसको हौसला करके थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लें मेरी जान, फिर मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन मेरी जान किसको कहते हैं। यहां तक मुझे पहले बताएं, जब तक सबको क्लियर नहीं होगा तब। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स जी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। भाई 20 से जीरो हुई है तो चेंज आ गया। तब्दीली किसे कहते हैं? आपसे पैसे लेकर आपको पैसे दिए जाए, 10 रुपए दोबारा फिर ले लिए जाए, तब्दीली आ गई ना। इसी तरह भाई, गाड़ी बड़ी तेजी से मूव कर रही थी, मैंने जीरो पे लेके आया, फिर भी तब्दीली आई। गाड़ी बहुत स्लो थी, मैंने भगा दी, तेज कर दी, तब भी तब्दीली आई। तो चेंज ज्यादा भी हो सकता है, चेंज कम भी हो सकता है, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है। स्पीड बढ़े स्पीड कम हो, उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देंगे। आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला मेरा बेटा, स्क्रीन पे अभी आपको एक जादू नजर आएगा। आपने ड्यूरिंग द टेस्ट अब टैब चेंज नहीं करना, नकल मारने की कोशिश करोगे तो ये जादू गायब हो जाएगा। जरा ध्यान से मेरा बेटा, जी मेरा बेटा, अगर जो लोग भी न्यू हैं उनके सामने मैं ये बात क्लियर कर दूं, जिनको टेस्ट शो नहीं हो रहा इट मींस कि वो लेट ऑनलाइन हुए। अगर आप ड्यूरिंग द टेस्ट अपना टैब चेंज करोगे, न्यू टैब ओपन करोगे या फिर रिफ्रेश करोगे तो टेस्ट गायब हो जाएगा, आपको आपके नंबर शो नहीं होंगे। ये 5 MCQs का टेस्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट इसमें 2-3 मिनट दिए जाते हैं। तो अभी थोड़ी ही देर तक ये टेस्ट मेरे सामने सबमिट भी हो जाएगा और आपको आपके नंबर भी नज़र आ जाएंगे कि आपने कितने नंबर लिए। जी शहजादो मेरा बेटा, जल्दी करें मेरे बच्चे। जी मेरा बेटा, जिनको भी टेस्ट शो नहीं हो रहा इसकी रीजन ये है, या तो वो लेट ऑनलाइन हुए हैं या फिर उन्होंने अपना टैब चेंज किया है। और जिन लोगों का टेस्ट सबमिट हो गया वो जरा वेट करें, और जैसे ही यहाँ पे टाइम खत्म होगा उसके बाद उनको उनका रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो आज हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसका यूनिट आपने याद करना है। ये पेज नंबर 38 पे जहाँ पे पिंक कलर का बॉक्स लिखा हुआ है उसी के साथ ये एंड तक आपने याद करना होगा। जी आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ गया होगा।
जी मेरे बेटे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग बेटा न्यू है, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ओवर हेयर। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने करना, और मैं आपको बार बार रिमाइंडर दिलवा रहा हूँ, ये टेस्ट का रिजल्ट मेरे सामने काइंडली कीजिएगा। आपको बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवा रहा हूँ कि मेरा बेटा नेक्स्ट वीक से पहले तक आप लोगों ने मुझे अपने प्रोजेक्ट्स व्हाट्सएप करने होंगे। माशाल्लाह बहुत से लोगों के 5 out of 5 भी हैं, कंग्रेचुलेशन। और बहुत से लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है, आई डोंट थिंक सो कि कितने लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया, इनका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। सो माशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द वही कैंडिडेट्स गोट द 4 out of 5, तो बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा। खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो और इसी तरह मेहनत करते रहो। आज का जो टॉपिक था वो एक्सेलरेशन का था, पेज नंबर 38 पे मेरी जान। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड से लेकर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तक आप लोगों ने ये चीज़ याद करनी है। जी मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो लोग न्यू है मेरा बेटा, आपको सारी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती जाएंगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट का जो लोग न्यू है इनको नहीं पता चला, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि संडे को मज़ीद ज़्यादा फ़न के साथ, मज़ीद ज़्यादा एक्टिव किया जाए, तो उसके लिए जस्ट आपको ये करना होगा कि आप फिज़िक्स से रेलिवेंट सेल ले लें, बैटरी ले लें, कोई भी कॉइल, कोई भी आप प्रोजेक्ट, मिनी सा प्रोजेक्ट घर के अंदर बनाएं खूबसूरत सा करके। उसको बनाने के बाद अब उसके साथ अब छोटी सी 2 या 3 मिनट की वीडियो बना के उसकी एक्सप्लेनेशन करें और उसके बाद उसको हमें सबमिट करवा दें, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैंने नंबर कल भी शेयर कर दिया था। और इंशाल्लाह फिर हम ये कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन या संडे वाले दिन, जो भी आपका दिन होगा, उसके दिन हम क्या करेंगे, उनको टाइम लाइन पर लगा देंगे और फिर रेटिंग देखेंगे कि पहली 3 ऐसी वो कौन सी वीडियो हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई हैं और उनको फिर इनाम भी दिए जाएंगे। और इस तरह ये कंपटीशंस की फॉर्म में मैं चाह रहा था कि अब संडे हो तो इंशाल्लाह फिर कंपटीशन ही होगा। और मैंने रात को भी जिन लोग, जो भी आपके मैसेंजर्स पे आंसर क्वेश्चन जो भी पूछा गया था, मैंने कोशिश की थी आप लोगों के सब जवाब दे दूं। जी मेरे शहजादो, मेरे बट्टो, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। पेज नंबर 38 पे एक्सेलरेशन का टॉपिक आपने याद करके आना है। कल मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। वैसे ये सबको क्लियर हो गया होगा, अगर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है तब भी चेंज आता है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह डिटेल इन्फॉर्मेशन हम कल करेंगे। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ यार, मैं अब तो भूल ही गया, फॉलोअप भी जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर सबमिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।